अगर आप वो इंसान है जो ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो जॉब छोड़ के या बिजनेस छोड़ के या अदर इनकम छोड़ के, या फिर नए हो और ट्रेडिंग शुरू भी करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगी। आपको अपने से बस ये 7 सवाल पूछने हैं, अगर इनका आंसर हाँ है तो आप अभी के अभी फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, अगर ना है एक भी क्वेश्चन का आंसर तो जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और अपनी अदर इनकम चालू रखनी है। जो नए ट्रेडर हैं उनको ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो 100% नुकसान कर बैठेंगे। मेरा नाम है उदित, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू रियली वॉन्ट टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर? ज्यादातर लोग बस इसलिए फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी करंट सिचुएशन से परेशान हैं, अपने काम से परेशान हैं, अपनी नौकरी से परेशान हैं, अपने बॉस से परेशान हैं और इसी वजह से वो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है। अगर आप ये सोचकर ट्रेडिंग फुल टाइम चूज कर रहे हैं ना, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में जॉब से भी ज्यादा स्ट्रेस है, 10 गुना ज्यादा स्ट्रेस है। रोज आपका पेशेंस टेस्ट होगा, रोज मार्केट स्टडी करोगे, दिमाग में बस ट्रेडिंग लॉट, ट्रेडिंग पोजीशन, स्ट्रेटेजीज यही चलती रहेंगी और उधर से ये यूट्यूब और फेसबुक वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। स्पेकुलेशन चलेगी, रिसर्च होगी और लॉस हो गया तो पूरा दिन, हफ्ता, महीना खराब हो जाएगा। ट्रेडिंग की मोटिवेशन है ना, 2 महीने में उतर जाएगी, फिर क्या करोगे, दोबारा से वही जॉब। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है और ये 7 क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, कैन यू सेट योर पैरामीटर्स करेक्टली? चलो आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। आपने वॉरेन बफे का नाम तो जरूर सुना होगा, चार्ली मंगर का भी नाम सुना होगा, हम अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। ये दोनों दुनिया के टॉप इन्वेस्टर हैं, $1 बिलियन की कंपनी भी रन करते हैं। उन्हीं का एक पार्टनर हुआ करता था रिक। अब रिक ने 1970-75 में क्रैश में बहुत बड़ी ओवर लेवरेज पोजीशन ले रखी थी और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, जैसे कि आप सब बनना चाहते हो। अगर आसान भाषा में बोले तो उसने अपने सारे पैसे मार्केट के ऊपर जाने पे लगा रखे थे। एक ही बार में उसका बच गया बाजा, मार्केट गई नीचे, उसकी मार्जिन कॉल आ गई और उसको अपनी सारी होल्डिंग्स वॉरेन बफे को बेचनी पड़ी पैसा इकट्ठा करने के लिए। अगर रिक धीरे धीरे चलता, सबर रखता, तो आज उसका नाम भी वॉरेन बफे के साथ लिया जाता। दोस्तों ऐसे ही आपको ट्रेडिंग के सही पैरामीटर सीखने हैं, यानी एक दिन में, महीने में या एक साल में करोड़पति बनने का सपना अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात, डोंट बी ना हरी यार। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव एनी अदर पैसिव इनकम? मैंने जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर देखे हैं ना, उनकी एक साइड इनकम जरूर होती है क्योंकि ट्रेडिंग बहुत अनसर्टेन होती है। और जो आप यूट्यूब पे बहुत से नकली गुरुओं को देखते हैं ना, वो YouTube से अपनी साइड इनकम करते हैं यार। वो आपको गलत बातें बता के अपनी तो इनकम बना लेते हैं और आपको फंसा देते हैं। तो चाहे उन्हें ट्रेडिंग में लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो तो प्रॉफिट में ही रहेंगे, पर आप लोग फंस जाएंगे। घर का राशन, कॉलेज की फीस, बिजली का बिल, मतलब अपने मंथली एक्सपेंसेस अगर आप कवर नहीं करोगे तो आप ट्रेडिंग कैपिटल जरूर छेड़ोगे, रिस्क ज्यादा लेने लगोगे और एंड में फिर से फंस जाओगे और करनी पड़ेगी फिर से वही नौकरी और अपना ट्रेडिंग कैपिटल भी साथ साथ खो बैठोगे यार। नंबर 4, डू यू हैव एडिक्वेट ट्रेडिंग कैपिटल? चलो एक्सेल शीट पे चलते हैं और समझते हैं कि कितनी कैपिटल चाहिए अगर आपको जॉब के बराबर कमाना है। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो सीधा सीधा आपकी जनवरी टू दिसंबर की सैलरी होगी 12 लाख जो कि आपको दिख रहा है। अब देखते हैं, अगर आप 25 लाख से ट्रेडिंग करते हैं और किसी महीने 4.2%, किसी महीने 5% और ईयरली आपने 27% बनाए हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाता है, तो भी आप साल के लगभग 6.6 लाख ही बना पाएंगे। जो दिक्कत आती है वो आती है उन महीनों में जहाँ आपने माइनस में पैसे बनाए हैं, जैसे कि आप एक्सेल शीट में देख रहे हैं मई और जून में, और दोनों महीने इकट्ठे आ गए, तो यहाँ आपका घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल से छेड़छाड़ फिर से करने लगोगे, फिर आपका सिस्टम बिगड़ना तय है। अब यही सेम सिनेरियो हम देखते हैं 75 लाख कैपिटल पे।
75 लाख कैपिटल पे आपको 20 लाख का फायदा हो रहा है। इसका मतलब आप रिटर्न तो अच्छे बना रहे हैं, वही 27% पर आपका ट्रेडिंग कैपिटल कम है। अब आप मेरे से पूछेंगे हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी अगर 6 लाख है तो ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए 24 लाख, 10 लाख है तो ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए 40 लाख रुपए। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। रिस्क बढ़ाने से ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होगा, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाने से आप अपनी साइकोलॉजी ठीक रख सकते हो और ट्रेडिंग में मुनाफा भी कमा सकते हो। तो सबसे पहला काम है कि अपनी ट्रेडिंग कैपिटल इकट्ठी करो। फुल टाइम करियर चुनने से पहले सबसे पहले आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। नंबर 5, डू यू हैव आइडियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक देख देख के ना यहाँ पे गोबर घुस गया है यार। इतना आसान होता 1 लाख के 2 लाख, 2 लाख के 4 लाख करना तो IIT, UPSC ये सब छोड़ के सब लोग ट्रेडिंग ही में घुसते। माना ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न आता है, पर अच्छा रिटर्न किसको कहते हैं? दोस्तों मेरे हिसाब से और ट्रेडिंग कम्युनिटी के बिग शॉट्स के हिसाब से 30-50% ईयरली रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो अभी के अभी ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर मुझे मिलवा दो उन लोगों से जो सालों साल अपने पैसे डबल ट्रिपल 10 times कर रहे हैं। मैं उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहूंगा। इसलिए ट्रैप में मत फंसो, धीरे धीरे चलो। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। हाई रिटर्न हाई रिस्क के चक्कर में नहीं फंसना है। मान लो एक स्ट्रेटेजी आपको 100% रिटर्न दे रही है और उसका ड्रॉडाउन 50% है, बिल्कुल मत करो। ओवरऑल देखोगे ना तो लॉस में ही बाहर निकलोगे। पर किसी स्ट्रेटेजी का रिटर्न 30% है और ड्रॉडाउन सिर्फ 4% है तो यार मैं तो ऐसी स्ट्रेटेजी प्रेफर करूंगा जिसमें मेरा ड्रॉडाउन कम से कम हो और रिस्क मैनेज कर सकूं और मेरा कैपिटल भी बिल्कुल सेफ रहे। नंबर 7 क्वेश्चन, मेक श्योर यू हैव एडिक्वेट इंश्योरेंस। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग के सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरे हैं तो आपको एक काम जरूर करना है, अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड जरूर रखना है। इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। क्योंकि भगवान ना करे किसी को कुछ भी होता है तो आपको पैसों की जरूरत फिर से पड़ेगी, आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल से छेड़छाड़ फिर से करनी पड़ेगी और आपके ईयरली प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा और वो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, तो इस पे गौर करो और गलत डिसीजन बिल्कुल मत लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करो और जिनको 1 के 2 और 2 के 4 करने हैं ना वो हमारे से कृपया दूर रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।